Hi friends, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. आज आप लोगों के सामने क्लास 8 CBSE पैटर्न पर अध्याय 2 धर्म निरपेक्षता की समझ चैप्टर के साथ आया हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स का फीडबैक हमें लगातार मिल रहा है। पॉलिटी के ऊपर अधिकतर विद्यार्थी अपना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं। क्लास 8 स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं पॉलिटी में, मानवीय में या और भी विभिन्न विषयों में, अधिकतर विद्यार्थियों के सामने समस्या है कि इनमें ग्रहणशीलता की कमी है। अर्थात विषय वस्तु को पढ़कर, सुनकर, देखकर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या विषय वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, विषय वस्तु की गंभीरता किस प्रकार की है, इस गंभीरता को अधिकतर विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है और इसका निदान कैसे हो सकता है? 8 स्टैंडर्ड के विद्यार्थी अपने क्लास के विषय वस्तु की बातें को ग्रहण नहीं कर पाना, उसका एक सबसे बड़ी कारण है कि विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता का विकास नहीं हो पाया है, सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाया है, विषय वस्तु को सोच नहीं पा रहे हैं, विषय वस्तु का चित्र उसके मनोमस्तिष्क में नहीं बन पा रहा है, उसकी छवि, उसका चित्र, चलचित्र, उसका वीडियो उसके मस्तिष्क में नहीं बन पा रहा है, और विषय वस्तु का संवेदना जो एक महसूस होता है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, इस समाज के लिए अभी भी उतना महत्वपूर्ण है, और आने वाले भविष्य में जिस परिस्थितियों का सामना, चुनौतियों का सामना वे इस दुनिया में करेंगे और आने वाले समय में किस प्रकार की परिस्थितियां रहेगी, परिस्थितियों में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, ये विद्यार्थियों में अगर कल्पनाशीलता का विकास नहीं हो पाता है, ज्ञान का विकास नहीं हो पाता है, आज के विद्यार्थी कल्पनाशीलता विकसित नहीं कर पाएंगे उस स्तर पर जिस स्तर पर आने वाला समय में नई नई चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ेगा। नई नई चुनौतियाँ विकसित होंगी तो ये आने वाले अपने समय में पिछड़ सकते हैं या उसका सामना उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, और इन विद्यार्थियों में अगर सृजनशीलता नहीं हो पाएगी तो ये विद्यार्थी कल जो भावी नागरिक बनेंगे इस देश को, इस देश को कैसे आगे लेके जाएंगे, अपने जीवन को कैसे उन्नति करेंगे, ये बड़ी समस्या है। इन विद्यार्थियों में सृजनशीलता का विकास नहीं हो पाना, कल्पनाशीलता का विकास नहीं हो पाना, ग्रहणशीलता का विकास नहीं हो पाना, इसका एक कारण कि आज तक ये विद्यार्थी जो पढ़ते आ रहे हैं, पिछले 7 क्लास को इन्होंने पास किया। समझने वाली बात है कि जिन्होंने इन्हें पास किया, कैसे पास किया, आखिर इनको पढ़ाने वाले टीचर कैसे थे, इनको पढ़ाने वाले अभिभावक कैसे थे, जो सीनियर इन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे वे सीनियर किस प्रकार का था, निसंकोच हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो इनके इस प्रकार के विद्यार्थियों के जो शिक्षक थे उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही रूप से नहीं किया, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक नहीं किया। इतना ही नहीं, इनकी परिस्थितियाँ जिस माहौल में ये थे वो माहौल सही नहीं था, जिस प्रकार के संगति में ये था, जिस प्रकार के मित्र मंडलियों में था, इनकी मंडलियाँ, मित्र मंडलियाँ भी सही नहीं थी, क्योंकि मित्र मंडलियों का भी प्रभाव व्यक्तित्व में पड़ता है, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में पड़ता, उसके ज्ञान में पड़ता है, उसकी रुचि और अभिरुचि में पड़ती है। इतना ही नहीं, इनके पारिवारिक माहौल, इनके गार्जियन, माता पिता और परिवार का असर भी इस प्रकार के विद्यार्थियों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा जिस वे गांव समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, और जो परिस्थितियाँ राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र की परिस्थितियाँ, भूगोल, बहुत सारे कारक उनके ऊपर होता है, बहुत सारा असर होता है, और
इसके अलावा जो व्यक्ति जो विद्यार्थी इस प्रकार के हैं, खुद उनकी अपनी मेहनत, अपनी तत्परता, अपनी ईमानदारी और अपना काम उतना ही जिम्मेदार है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, लेकिन अगर विद्यार्थी इस बात को समझ में आ जाए कि किन हालातों के चलते आज हमारा बैकग्राउंड उस स्तर का नहीं हो पाया है, हमारा कल्पनाशीलता, हमारा सृजनात्मकता का उस स्तर पर नहीं हो पाया है, तो निस्संदेह ये विद्यार्थी उस पॉइंट को सुधार करेंगे और पाएंगे कि सबसे बड़ा फैक्टर विद्यार्थी खुद हैं। अगर विद्यार्थी इस बात को खुद समझ ले, किसी प्रकार से विद्यार्थियों को यह समझा दिया जाए, विद्यार्थियों में यह प्रेरणा, यह मोटिवेशन दे दिया जाए कि व्यक्ति, यह विद्यार्थी खुद अपना, अपने भाग्य का निर्माता है और अपने भाग्य को विनाश करने वाला, अपने भाग्य को बर्बाद करने वाला या अपने व्यक्तित्व को नाश करने वाला यह खुद ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है, तो निस्संदेह वह सारा परिस्थितियां वह खुद ही बदलेंगे, अपने आप को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, अपने दोस्तों को, संगति को ठीक करेंगे, अच्छे मित्र बनाएंगे, अच्छे संगति में रहेंगे, बुरे संगति को त्याग कर देंगे, अच्छे शिक्षकों का तलाश करेंगे जो योग शिक्षक हैं, जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ ईमानदारी, चरित्र और विद्यार्थियों को मोटिवेट हमेशा करते रहे और विद्यार्थियों के भलाई में, उसकी उन्नति में अपना उन्नति देखने वाला योग शिक्षक हो। ऐसे शिक्षकों का इन्हें तलाश करना होगा, वैसे माहौल में इन्हें रहना पड़ेगा, अपने आसपास के माहौल को उस तरह से बनाना पड़ेगा कि एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण पढ़ने लिखने और चिंतन मनन और आगे बढ़ने का बने। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों, विद्यार्थियों और मित्रों से इन्हें दूर रहना पड़ेगा और अपना दैनिक जीवन संयमित रखेंगे और अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, ज्ञान का निर्माण करेंगे, अपना व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, शारीरिक निर्माण करेंगे, खेल कूद, योगा व्यायाम के साथ उचित खान पान, आहार, पर्याप्त निद्रा, चिंतन मनन, वाद विवाद अगर करेंगे तो निस्संदेह धीरे धीरे ये विद्यार्थी सारे कमियों को दूर कर लेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो जिनकी बैकग्राउंड नींव उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें कल्पनाशीलता ना होने के कारण इतने आसान तरह से बनाए हुआ लेक्चर बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत सारे वीडियोज इंटरनेट में देखने के बाद, किताब पढ़ने के बाद नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वे अपने जो शिक्षण पद्धति को और अपने दिनचर्या को सुधार करेंगे, निस्संदेह वे इस चुनौतियों का सामना कर पाएंगे और अपने आप को सुधार कर पाएंगे। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको जो है पढ़ाई आपका ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों में ये प्रवृत्ति होना चाहिए कि चिंतन मनन करने के साथ साथ जो भी अध्ययन, अध्यापन की विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस कॉन्ट्रैक्ट है, या जो बातें कहा गया है, या जो वाद विवाद होता है स्कूल के परिसर में, कॉलेज के परिसर में, या हमारे आसपास होता है, उसका चिंतन मनन करें और उस परिस्थितियों से, उन समस्याओं से जूझे और उसका समाधान ढूंढने का कोशिश करें और खुद से अपना समाधान को खोजें। इसके अलावा खोजी प्रवृत्ति बने, पढ़ने का, देखने का, सुनने का, जानने का ललक होना चाहिए विद्यार्थियों में। इस प्रकार का प्रवृत्ति आप विकसित कर लेंगे, पढ़ने का एक भूख और जुनून हासिल कर लेंगे, तो निस्संदेह धीरे धीरे ये सारा कमी पूरा हो जाएगा और आप खुद आप उस रास्ते को प्रशस्त कर देंगे, जब आपकी सारी कठिनाई धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और आप इस प्रकार का अगर प्रवृत्ति विकसित नहीं करते हैं तो निस्संदेह किसी भी प्रकार की परिस्थितियां रहते हुए भी, चाहे आप कितनों बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ें, बड़े से बड़े शिक्षक के पास पढ़ें, या कहीं भी रहें, कैसे लोगों के साथ रहें, अगर आप मूलभूत ये बेसिक प्रवृत्ति आप खुद में अगर सुधार आप नहीं लाते हैं, या आप में वो समझ विकसित नहीं हो पाता है, तो आप शायद अपने लक्ष्य को उस स्तर पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आज समय यही है प्रतिभा का, प्रतिभा का जब तक आप विकास नहीं करेंगे तो इस समस्या, ये जो विकट परिस्थिति आज हमारे दुनिया के सामने आ चुकी है और आने वाले समय ना जाने और कौन कौन सी चुनौतियाँ यहाँ पर होंगी, आएंगी, इतिहास गवाह रहता है कि हर समय में एक नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं और इस चुनौतियों का सामना वही करते हैं जो इसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और जो इसके लिए तैयार नहीं करते हैं वे पिछड़ जाते हैं, या उनका पतन हो जाता है, या वे इस दौड़ में अपने आप को बरकरार नहीं रख पाते हैं और वे पिछड़ जाते हैं। मोटिवेशनल बातें इतना ही, और इसके अलावा भी बहुत सारे मोटिवेशनल बातें होंगी। एक महत्वपूर्ण बात, विद्यार्थियों को जब पढ़ाई करते हैं तो
विषय वस्तु के प्रति उसका सम्मान होना चाहिए। जो सही मार्गदर्शन देते हैं वैसे माता पिता अभिभावक या वैसे टीचरों के प्रति उन्हें सम्मान व्यक्त करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। विद्यार्थी अगर शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे, विषय वस्तु का सम्मान नहीं करेंगे, पुस्तकों का सम्मान नहीं करेंगे, विद्या का सम्मान नहीं करेंगे, सरस्वती रूपी विद्या रूपी सरस्वती का सम्मान नहीं करेंगे, चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी विद्या को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अर्थात किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए उसका सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। और सम्मान करने से ही प्रेरण लेवल जो होता है, मोटिवेशन लेवल उसका बढ़ता है, और मोटिवेशन लेवल से ही किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बहरहाल अब हम लोग टॉपिक में सीधे चलते हैं, क्लास 8 CBSE पैटर्न पर अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ को समझने से पहले धर्मनिरपेक्षता क्या है उसे जानना जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है जिसे अंग्रेजी में सेकुलर या सेकुलरिज्म कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, धर्मनिरपेक्षता की समझ अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग समय और परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर, बहुत सारा डिटेल्स में नहीं बोलकर, हमारा प्रयास रहेगा कि इस टॉपिक में दिए गए कुछ बातों को और बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में इस बातों को लेते हुए इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। ये तो स्टैंडर्ड क्लास 8 का है, लेकिन यह टॉपिक क्लास 8 के साथ साथ ही 9, 10, 11, 12 और हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, जिनकी समझ और जिनका कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता के प्रति क्लियर नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता की समझ उतना ही ज़रूरी हर लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है विभिन्न प्रकार के लोग अपने अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्षता के परिभाषा देते हैं, उनका समझ है और उसी प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं वे करते हैं। अगर धर्मनिरपेक्षता के समझ लोगों को, इन विद्यार्थियों को भली प्रकार का होगा, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वे इस तरह की परिस्थितियों से, इस तरह की चुनौतियों से अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में सीधे हम लोग जाएंगे, सीधा उसका डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अमेरिकन कंट्री से और वहाँ से स्टार्ट करते हुए थोड़े से दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषाएँ किस प्रकार की हैं, वहाँ से लेते हुए हम अपना भारत में, भारत दृष्टिकोण से धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए धर्मनिरपेक्षता की समझ को जानने के लिए, समझने के लिए और इसकी पढ़ाई शुरू करने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर देखें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AK स्टडी सेंटर मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, जय हिंद।